हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। MM किसान मजदूर मोर्चा है और SKM गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जब जब हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और CPM का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते हैं। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है, तो हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है, तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं, बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहाँ से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अम्बाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज़्यादा पता है, ये 15 होंगे इधर, उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं।